अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ हमारा मजे का ट्रिप लेक डिस्ट्रिक्ट का। जब लॉकडाउन खुला था तो हम लोगों ने सोचा कि निकलो, भागो, रिलैक्स करो कहीं चल के। एंड व्हाट ब्यूटीफुल प्लेस बेटर देन लेक डिस्ट्रिक्ट गो टू। इट इज ब्यूटीफुल, बहुत सुकून मिलता है वहाँ जाके। ऑनेस्टली लेक डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है केजिक, हम वहाँ फर्स्ट टाइम कैंपिंग करने गए थे। हमारा लाइफ का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था एंड इट वॉज अमेजिंग। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो सारे वीडियोज एंड क्लिप्स। आई होप आप लोगों को मजा आए, देख के आप इंजॉय करें। तो जनाब 5 आवर्स की जर्नी के बाद हम लोग पहुंचे थे स्पॉट पे। ये फार्म है, एक जगह है बहुत खूबसूरत केजिक में। ये कैंपिंग साइट ही बनाई हुई है उन्होंने और अभी हम यहाँ पे अपना कैंप खोलने लगे हैं, सेट करने लगे हैं। और जनाब शाम को लग रही थी भूख, जब सब कुछ सेट हो गया था तो हम लोगों ने ये बर्गर्स बनाए थे। मैं कीने को मसाला लगा के लेके गई थी और वहीं पे ही हमने अपना किचन सेटअप किया। टेबल, चीज़ें, खाने पीने की सारी चीज़ें हम खुद लेकर गए थे कि खुद बनाएंगे और खाएंगे। बहुत मज़ा आया था ऑनेस्टली। आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कैंप के अंदर भी सब। फर्स्ट है कि हमारी यही एक्टिविटी थी कि कैंप वगैरह सेट करें, अपना किचन वगैरह सेटअप करें, खाना शाना बनाएं। और इतने में रात हो गई थी तो हम लोग सब कैंप के अंदर घुस गए थे, सारी बेडिंग्स वगैरह सेट की। इट हैज़ 4 बेडरूम और बेहतरीन सेटअप था और लिविंग रूम, लिविंग एरिया है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, अभी बच्चे फन कर रहे थे तो मैंने सोचा पूरी अच्छे से वीडियो बना लूँ। हस्बैंड बाहर का राउंड लगाने गए थे, अभी अंदर आए तो मैंने वीडियो ही बना रही थी, वहीं केम इन। तो ये मैं सारे अंदर की बना रही थी वीडियो। ये लिविंग एरिया है और ऑपोजिट इस तरह बेडरूम्स हैं। ये हम फ्रिज अपना साथ लेकर गए थे, फ्रिज भी पूरी तैयारी के साथ गए थे हम। खाना शाना सब कुछ, ड्रिंक्स और ब्रेकफास्ट का स्टफ, एवरीथिंग हम लेके गए थे साथ। और हमने इलेक्ट्रिक स्पॉट वाला लिया था साइट पे कैंप को लगाने के लिए, ताकि हम इस तरह एक्सटेंशन लगा के और वो सब अपने मोबाइल चार्ज वगैरह भी कर सकें और ये फ्रिज भी ऑन कर सकें। बच्चों ने बोर्ड गेम्स वगैरह भी साथ कैरी की थी, बहुत इंटरेस्टिंग मज़ेदार। इधर इस रूम, एक रूम में हमने अपना सारा कपड़े और सामान वगैरह रख लिया था और बाकी हमने रूम्स सेट कर लिए थे सोने के लिए। और इतना मज़े का एनवायरनमेंट हुआ हुआ था बाहर, वो सो क्वाइट एंड वो सो कम्फर्टेबल, लग ही नहीं रहा था कि हम कहीं आउटडोर हैं। इट वॉज परफेक्ट, वो सो। टेंट के हर विंडो में, हर डोर में डबल लेयर्स हैं। एक पूरा पूरा भी बंद कर सकते हैं और अगर हाफ वे थ्रू ऐसे आप ऊपर कर लें और नेट ओनली जिप बंद कर लें क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। सारे विंडो डोर्स में हर जगह इसी तरह ही है। नेट का हम ख्याल रखते थे कि अच्छी तरह हमेशा अंदर बाहर जाते हुए नेट हमेशा बंद रखें ताकि मच्छर ना आए। एंड थैंकफुली हम बहुत ज्यादा हॉट वेदर में भी नहीं गए थे, तब बहुत ज्यादा मॉस्किटोज होते हैं। तो कभी भी गर्म वेदर में नहीं जाना चाहिए, हल्का ठंडा वेदर हो और बेशक थोड़ी बारिश भी हो तो कोई मसला नहीं है, थोड़े ठंडे वेदर में ही जाना चाहिए। तो बाहर बारिश हो रही थी तो हम किचन अंदर सेटअप कर लिया, हमने लिविंग एरिया में ले आए थे किचन। नेक्स्ट डे की हमारी ये एक्टिविटी थी कि हम हाइक पे जाएंगे। कैटबेल्स एक पीक थी, हमने वहां गए थे हाइक पे। इट वॉज रियली थ्रिलिंग, बहुत मजा आया था। जाएंगे
वापस आके हम सब फ्रेश हुए, फिर मैंने खाना बनाया, किचन मैंने बाहर ही रख लिया था, चिकन कढ़ाई बन रही थी, तो मैंने सोचा डे लाइट में भी थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। बच्चों ने कुछ सुवेनियर्स लिए थे, कलर्स और बुक्स वगैरह, तो वो ये लोग इंजॉय कर रहे थे अंदर बैठे और खाना पकने का इंतजार हो रहा था। ये मैं वीडियो में बता रही थी कि वॉल के उस तरफ भी कैंप्स लगे हुए हैं। नेक्स्ट डे बिल्कुल रेनी वेदर था, सारा दिन रेन थी, तो इसलिए हमने इंडोर एक्टिविटीज चूज की थी। ये एक पजल वर्ल्ड जगह थी, वहीं पे बहुत जबरदस्त यहाँ पे फनी एक्टिविटीज थी सारी, इट वॉज रियल फन। ये उधर पजल वर्ल्ड में एक रूम था, उसमें अजीब सी ग्रेविटेशनल पुल थी और इट वॉज सो, आप कंट्रोल नहीं कर सक रहे थे उस रूम में, जैसे स्टेप इन करें आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। हर चीज की जो मूवमेंट थी वो ऑपोजिट ग्रेविटेशनल पुल थी। हम लोग ये स्लेट माइन जा रहे थे, ये रास्ता भी बहुत खूबसूरत था, इतने खूबसूरत व्यूज देखने को मिल रहे थे, थ्रिलिंग भी था और खूबसूरत भी बहुत था। हमारा पूरा ट्रिप ये 3 nights और 4 days का था, हमने बहुत इंजॉय किया और लास्ट डे हमने यही एक्टिविटी की टेंट समेटा, वापस सारा कुछ वापस लोड किया और घर के लिए निकल पड़े। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, इफ सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।